For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. पिक्चर अच्छी थी, मतलब एकदम बहुत अच्छी भी नहीं, लेकिन विशाल भारद्वाज का एक टेस्ट रहता है उसकी फिल्म देखने का, तो मैं मना के आना पड़ता है। फिल्म में एक्टिंग जबरदस्त की, वो मतलब दोनों हीरोइनों ने जो काम किया है वो कोई नहीं कर सकता। मतलब मुझे नहीं लगता आज की तारीख में आज की हीरोइन कोई कर पाएंगी, एकदम फ्रेश और इतना गजब नॉन ग्लैमरस काम है, बहुत बढ़िया काम है। सुनील ग्रोवर अपनी जगह पर बहुत बढ़िया है, और फिल्म मतलब एक डार्क फिल्म है तो उस हिसाब से बहुत बढ़िया फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म है। लेकिन वही है कि मतलब वो उस आम पब्लिक के लिए नहीं है, मास के लिए नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत उसके। कैसी लगी फिल्म? फिल्म वाज अमेजिंग, बढ़िया, एकदम मसालेदार, मज़ा आ गया। सानिया राधिका, क्या कुछ दिखा आपको पर्दे पर और परफॉर्मेंस कैसी थी? वेरी नेचुरल थी, पूरा मारवाड़ी था उनका जो डायलॉग था, तो देख के मज़ा आ गया उनकी, मतलब परफॉर्मेंस वाज वेरी नेचुरल। सुनील ग्रोवर वाज एज यूजुअल अमेजिंग, पूरा उनका स्क्रीन प्रेजेंस बहुत अच्छा था, तो मज़ा आ गया उनको भी देख के। डायरेक्शन वाज गुड, लुक सो आई थिंक मसालेदार फिल्म है, एक दो बार देखने लायक था। आई वाज लेट तो शायद मेरी आधी मूवी थोड़ी सी छूट गई थी स्टार्टिंग की। Amazing. It was really good. Second half was a bit boring as compared to the first half. Sunil Grover was good. Like, yeah, he's always good, rather. So it's good. I have no idea about all this, like, direction and all. And which song you like? This is good. Yeah. It was good. Alag concept tha and bahut maza aaya dekh ke. Matlab socha nahi tha usse achhi thi film. एक्टिंग तो उनकी बात ही अलग, फर्स्ट टाइम आई थिंक मूवी की है उन्होंने, बट एक्टिंग वाज एक्सीलेंट। सुनील ग्रोवर इज ऑल टाइम फेवरेट डॉक्टर गुलाटी, सो दिस टाइम आल्सो ही वाज गुड। पटाखा वाज ओके, इट वाज लाइक अ बिट आर्टिस्टिक फिल्म, एंड थोड़ा विशाल भारद्वाज फिल्म है तो थोड़ा आर्टिस्टिक फिल्म है, इट्स नॉट फॉर एवरीवन। परफॉर्मेंसेस आर रियली नाइस एंड स्टोरी थोड़ी हटके है, तो इट्स नॉट फॉर एवरीवन, बट दोज हु लाइक टू वॉच सच फिल्म दे विल श्योरली एंजॉय इट। ही इज़ ऑसम, ही इज़ एज यूजुअल अमेजिंग। फिल्म पटाखा बहुत अच्छी थी, मूवी थी और देख के काफ़ी इन्जॉय किया हम लोग ने। बहुत अच्छी लगी, माइंड ब्लोइंग जो उनकी एक्टिंग थी वो माइंड ब्लोइंग थी, और बाकी जो इसमें डायरेक्टर है विशाल भारद्वाज, उनका काम बहुत सुपर्ब है। सुनील ग्रोवर, बहुत अच्छी एक्टिंग रही उनकी, क्योंकि हम उनके बहुत पहले से फ़ैन हैं, सो उनकी मूवी मुझे बहुत पसंद है। सर पटाखा जो है ना, नाम सोच के सर वो लगता है कि वो पटाखा एकदम अलग ही है वो, सर पटाखा मतलब रहता है ना वो, एकदम मस्त, एकदम अच्छा, इतना लगा देखने के बाद ना एकदम फ्रेश मूड हो गया। जो भी है, जो उसमें जो है आर्टिस्ट है सब, जो इतना इतना अच्छा लगा, उन्होंने इतना अच्छा काम किया है ना, पूछो मत सर, एक नंबर मूवी लगी मुझे। अरे यार वो तो पूछो ही मत सर, वो तो मालूम है ना जीत सोनी में तो उन्होंने पूरा धमाल कर दिया, और ये तो अभी पूछो मत, इसमें तो पूरा लग रहा भी नहीं था, सोच के भी नहीं पा रहा था कि मैं सुनील ग्रोवर का वो ऐसा करेंगे और इतना पब्लिक को खींचेगा और इतना अच्छा लगेगा मूवी उनका, और इतना अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा मुझे। सर अभी देखते हैं आउट ऑफ भी दे देंगे, 4 out of 5 3.5 4 3 3.5 4 4 स्टार। थैंक यू सो मच।